हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर 13 फोटोसिंथेटिक इन हायर प्लांट्स, क्लास 11। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेटिक्स एज टर्म्स ऑफ क्लास 11? व्हाट यू हैव स्टडीड इन 6-7 दैट इज आल्सो द करेक्ट डेफिनेशन, बट एज यू हैव केम इन नाउ क्लास 11, सो यू हैव टू लर्न सम वर्ड डेफिनेशन मोर देन द सिंपल वन। सो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली द फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स यूज सन एनर्जी टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फूड। ठीक है, इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट जो है वो सन एनर्जी को यूज़ करता है और अपने फूड को सिंथेसाइज करता है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है विच गिव्स एनर्जी टू द प्लांट, जो कि प्लांट को एनर्जी देता है। हर एक प्लांट को हम लोग खुद से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो सन जो है दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू ऑल द प्लांट्स। तो सन इज़ प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द प्लांट एंड देन दिस प्लांट इज ईटन बाय द एनिमल्स एंड एनिमल्स इज गेटिंग द एनर्जी। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ एंड इट इज़ द ओनली प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ द ओनली प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिलीज होने का एकमात्र जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज फोटोसिंथेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ द जॉस प्रिस्टली। आप कैसे याद रखोगे कि जॉस प्रिस्टली का क्या एक्सपेरिमेंट था? देखो, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, डेट इज़ प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब होता है पंडित, और पंडित इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द टेम्पल, और टेम्पल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस टाइप का होता है, राइट? कुछ ऐसे, और अंदर में बेल भी होता है बजाने के लिए। सो एक बेल जार लिया था प्रीस्ट ने, मतलब कि जॉस प्रिस्टली ने, ठीक है? तो एक बेल जार लिया, इसके अंदर एक माउस लिया, एक कैंडल लिया, और इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया गया। तो देखा गया कुछ देर के बाद ये कैंडल जो है वो बुझ जाता है और ये माउस भी है जो डेड हो जाता है। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर वो क्या करते हैं कि उसी बेल जार में एक मिंट प्लांट को अंदर डाल देते हैं, मिंट प्लांट, माउस एंड कैंडल। सो नाउ ही सीज डैट ऑल द थिंग्स आर अलाइव, सारे कुछ जिंदा थे, ठीक है? तो दिस वॉज द थिंग ओवर हियर कि सब कुछ जिंदा थे, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, और जो कि हेल्प कर रहा है कंबशन में भी और इसके लाइफ में भी। ऑक्सीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर लाइफ, राइट? कि हम लोग जिंदा है तो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे, देन वी आर अलाइव नाउ। नाउ जैन इंगेज हाउस ने 1730 टू 1799 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक बीकर लिया, एक हाइड्रा का प्लांट लिया, उसको एक फनल से ऐसे फनल डाल दिया उल्टा करके, फिर यहाँ पर एक इस टाइप का ट्यूब लगाया और देखा कुछ देर बाद कि क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ बबल्स निकल रहे हैं, और ये बबल्स निकल रहे हैं तो वो हाइड्रा से निकल रहा था, क्योंकि जब हाइड्रा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये O2 गैस निकाल रहा है, तो ये हाइड्रा है, ठीक है? अब आप पूछोगे कि हम लोगों को कैसे पता चला कि ये जो बबल्स है वो ऑक्सीजन गैस का ही है। नाउ जूलियस वॉन सैक्स वॉज देयर इन 1854। ही टोल्ड दैट ग्रीन कलर पार्ट इज़ देयर दैट इज़ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द प्लांट, एंड दिस ग्रीन पार्ट्स फॉर्म ग्लूकोज